जैसे एंट्री करी तो फाइव स्टार होटल जैसी मतलब फीलिंग आई। बैंक्वेट हॉल है, बहुत ही अच्छा है, लोकेशन वाइज भी अच्छा है और हाईवे पे ऐसी लोकेशन हमने पहली बार ही देखी है कि इतने बड़े हॉल में इतने ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम है और बिना पिल्लर का ये हॉल है। मैरिज के लिए परफेक्ट है, एंगेजमेंट के लिए परफेक्ट है एंड बर्थडे पार्टीज के लिए भी ऑल ओवर। चिकड़ में बना हुआ बैंक्वेट हॉल है, 2 एकड़ में कवर्ड एरिया है और 3 एकड़ की हमारी पार्किंग है और हमने 5 नवंबर को ओपनिंग की थी। लगातार उस दिन से प्रोग्राम ही प्रोग्राम हो रहे हैं। NH44 पर गांव कोहंड के पास स्थित जन्नत बैंक्वेट हॉल अब लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। जब भी कोई यहां पर आता है तो वो भी अपने घर के फंक्शन यहीं पर करने की बात कर रहा है, क्योंकि जन्नत बैंक्वेट हॉल जितना बाहर से देखने से सुंदर है उससे कहीं ज्यादा अंदर की इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ पर पार्किंग स्पेस बहुत अच्छा है और 2000 से ज्यादा लोगों की एक साथ गैदरिंग हो सकती है। इतना ही नहीं, जन्नत बैंक्वेट हॉल की सबसे ज्यादा खासियत ये है कि इसे चारों तरफ से कवर किया गया है, जिसकी वजह से मौसम के बदलने पर भी यहाँ कोई असर नहीं होता। जन्नत की खासियत ये भी है कि यहाँ पर ज्यादा खर्च ना करते हुए पूरा फंक्शन किया जा सकता है। सभी प्रकार की सुविधाएं मिलता देख अब लोगों की पहली पसंद जन्नत बैंक्वेट हॉल बनता जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं जन्नत बैंक्वेट हॉल के ओनर बलजीत तुरन से, उनका इस पर क्या कुछ कहना है। सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं स्वागत करता हूँ। ये हमारा सरायकोंड के अंदर पानीपत के अंदर पड़ता है, ये बैंक्वेट हॉल पानीपत और करनाल के बॉर्डर पे पड़ता है और ये हमारा 5 एकड़ में बना हुआ बैंक्वेट हॉल है, 2 एकड़ में कवर्ड एरिया है और 3 एकड़ की हमारी पार्किंग है और हमने 5 नवंबर को ओपनिंग की थी। लगातार उस दिन से प्रोग्राम ही प्रोग्राम हो रहे हैं, तो लगातार हमारे यहाँ फंक्शन होते ही जा रहे हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार से फंक्शन हो रहे हैं, तो जो भी फंक्शन करता है वो 4 चांद लग जाते हैं उसके फंक्शन में और संतुष्ट होकर जाता है हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ 500 से लेके और 2500 की गैदरिंग तक के प्रोग्राम होते हैं। पीछे हरभजन मान जी आए थे और आज हरियाणवी कलाकार आपके सामने आए हुए हैं, आप उसको कवर कर रहे हैं। तो मैं सभी जो आपके चैनल को देख रहे हैं सभी से, आप जनता से अपील करूँगा कि एक बार हमारे इसमें आए, बैंक्वेट हॉल में हमें सेवा का मौका दें और एक बार ही अवश्य आएँ, कि हमारा पैसे कमाने का मकसद नहीं है, हमारा सेवा का मकसद है। इसलिए आप आएँ और इंजॉय करें और देखें एक बार किस प्रकार से हमारी कैटरिंग और किस प्रकार का हमारा बैंक्वेट हॉल है। जन्नत बैंक्वेट में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जब लोग बाहर निकले तो हर कोई इसकी तारीफ करता नजर आया। यहाँ पे आके अंदर जैसे एंट्री करी तो 5 स्टार होटल जैसी मतलब फीलिंग आई और अंदर जो कैटरिंग का भी है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और मतलब ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे आके कोई अजीब सा माहौल हो, या बहुत अच्छी फीलिंग आई और जो मेंबर्स यहाँ के थे उनके साथ भी मिलके बहुत अच्छा लगा। बैंक्वेट हॉल है, बहुत ही अच्छा है, लोकेशन वाइज भी अच्छा है और हाईवे पे ऐसी लोकेशन हमने पहली बार ही देखी है जो कि इतनी बेस्ट लग रही है और सजावट भी इसके अंदर की इतनी अच्छी है कि देखने को अभी तक हम ऐसे बैंक्वेट में पहले कभी गए नहीं। इतना मस्त हॉल लगा मुझे ये बड़ा ज़्यादा, और बाहर से भी और इसके अंदर की भी लोकेशन देखते ही बनती है। और सबसे बड़ी बात ये लगी कि इतने बड़े हॉल में इतने ज़्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम है और बिना पिल्लर का ये हॉल है, ये सबसे बड़ी बात थी। ठीक है, जो कि हमें मीटिंग करने के लिए या बड़ी एनिवर्सरी करने के लिए या बहुत ज़्यादा गैदरिंग के लिए ऐसे हॉल हमें मिलते नहीं हैं। मेरे को तो बहुत मज़ा आया है, मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजिट करें। हालांकि आज मेरा प्रमोशन था और मैंने इसका लाइव प्रमोशन करा है। मैरिज के लिए परफेक्ट है, एंगेजमेंट के लिए परफेक्ट है एंड बर्थडे पार्टीज के लिए भी ऑल ओवर। इसकी सर्विस अच्छी है, ऑन रोड है और पार्किंग सुविधा बहुत अच्छी है और हॉल की डिजाइनिंग 5 स्टार होटल की तरह है। हमने अपने पैराडाइज ग्रुप के 10वें एनिवर्सरी के लिए स्पेशल डेट लेके हमने जन्नत पैलेस बुक किया और इसका भरपूर आनंद उठाया। जैसे लोगों ने बताया था, जैसे लोगों से सुना से, उससे बेस्ट निकला। यहाँ पर आप कोई भी फंक्शन कम खर्च में कर सकते हैं, यही वजह है कि लोग अब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसका एड्रेस है NH44 पर गांव कोहंड के पास जन्नत बैंक्वेट हॉल के नाम से। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। नमस्कार।